वेलकम टू माय चैनल घूमने चलो। और आज है 10th of September और हम जा रहे हैं जयपुर। और मैं, सिमरन, मम्मी पापा और मेरी सिस्टर, और ये चश्मे चश्मे लगा लिए हैं इन्होंने, ठीक है, मास्क लगाए नहीं है, चश्मे लगा लिए हैं। नाइस। तो हमें सारे रूल्स का पालन करना है, ठीक है। रास्ते में उसी के साथ बेल्ट भी लगा लेते हैं। टैबलेट ले ली मुझे, मैं ध्यान से उठे और मास्क लगा लो शर्त हो गया। तो अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने। तो टैबलेट तो क्या, पेट्रोल तो वैसे है मगर यहाँ से दिल्ली से फुल करवा लेते, क्योंकि जयपुर में पेट्रोल काफ़ी एक्सपेंसिव है, 108 रुपये लीटर है, दिल्ली में 101 रुपये लीटर है। तो मैं सोच यहीं से डलवा के चलते हैं। तो अभी हम पेट्रोल पम्प जा रहे हैं, बाकी मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ रास्ते में। 24/7 शॉपिंग हो रही है, सॉरी इन एंड आउट से, रास्ते में खाने पीने के लिए। जयपुर है अराउंड 200 से 250 किलोमीटर दिल्ली से, और इसके लिए आपको पहले हरियाणा क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद राजस्थान शुरू होता है जहाँ पे जयपुर है। और सबसे बेस्ट बात यह है कि यहाँ के रोड्स सुपर ब्यूटीफुल हैं, एकदम प्लेन रोड्स हैं, कोई ऐसे खड्डे वगैरह नहीं है रोड्स पे कि आपको लगेगी कोई अनकंफर्टेबल रोड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब ये जो आप सामने व्यू देख रहे हैं, इसमें ये था कि अब जयपुर में हम एंटर कर चुके थे, मगर ये रिजॉर्ट है इसलिए ऑब्वियसली थोड़ा गांव के बीच में था। तो और सेकेंडली मैंने रास्ता गलत ले लिया था थोड़ा सा, तो मेरे को दूसरी साइड से आना, तो ये इसलिए ऐसे थोड़ा गांव वाला रोड था, अदरवाइज रोड्स बहुत साफ थे। और ये भी अच्छा हो गया कि यहाँ से हम चले गए, थोड़ा एडवेंचर हो गया, ऑफ रोडिंग हो गई थोड़ी, अदरवाइज़ अगर मैं दूसरी साइड से आता तो वहाँ से साफ़ होता रास्ता। तो मैंने जाके पूछा था होटल में कि मैं इस साइड से आया, तो उन्होंने बता दिया था कि आप नेक्स्ट टाइम से उस साइड से आना, तो वो अच्छा रास्ता था। तो यहाँ पर हमारी गाड़ी थोड़ी फंस गई थी, तो अब ये मैंने साइड से करके निकाली थी, निकल गई थी, अच्छा हुआ खड्डे में नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे बारिश हुई थी इस रोड पे, तो इसलिए थोड़ा ऐसे ख़राब था ये रोड। तो अब यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया था जो है अपना जयबाग रिजॉर्ट, तो एकदम साइड पे है, एकदम ग्रीनरी है पूरी, क्योंकि मॉनसून है। तो मॉनसून में वैसे ही राजस्थान बहुत ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि वैसे तो ये सारे पेड़ पौधे येलो हो जाते हैं, मगर जैसे मॉनसून आता है फिर से पूरी ग्रीनरी हो जाती है चारों साइड। और ये हम आ गए हैं जयबाग में, ये इतना भी रोड कितनी दूर है पिछले जगह नहीं, उधरले पास से जो बाहर निकल रहा है उन जगह पर। ये जयबाग का व्यू है फ्रंट से, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और ये मेरा रूम था महाराजा सूट जो हमने लिया था, ये था 15,000 का विद इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। और ये इसका वॉशरूम है, और सबसे बेस्ट बात है इस रूम की कि इसमें बालकनी अटैच है, जिससे कि आपको सामने का पूरा व्यू दिखता है। तो ये देखिए, ये आपके सामने सारा ग्रीनरी माउंटेन्स है साइड्स में, ये इसकी बालकनी है। ये मैंने ड्रोन का शॉट लिया था, आप देख सकते हैं कि चारों साइड से एकदम सिमेट्री है, चारों साइड से एकदम सेम लगता है, ऐसा लगता है कि आप किसी महल में रह रहे हो, आपको ऐसी फील आएगी। और
और अब शाम हो गई थी तो हमने सोचा थोड़ा इन्जॉय कर लिया जाए स्विमिंग पूल में। और सबसे बेस्ट बात कि यहाँ पे बारिश हो गई थी हमारे जाते ही, तो ऑलरेडी और ज़्यादा बेटर हो गया था। तो ये हम जयबाग आए, जयबाग से जयपुर है अराउंड 10 किलोमीटर, क्योंकि जो जयबाग है वो थोड़ा साइड पे है, विलेज वगैरह में है जयपुर के, तो वहाँ से जयपुर सिटी 10 किलोमीटर है। तो हम फिर आए थे आज फोर्ट्स वगैरह घूमने, तो मैंने वीडियो में सिर्फ एक ही फोर्ट डाला है, ये अंबेर फोर्ट है। तो रीज़न बीइंग कि एक तो बारिश हो गई थी, हम ज़्यादा फोर्ट में जा नहीं पाए थे, और जो मेरा मेन पर्पस था जयपुर ट्रैवल करने का, तो मेरे को फोर्ट से ज़्यादा मेरे को रिजॉर्ट में स्टे करना था। तो बट ऊपर से बारिश भी हो गई थी, और वहाँ पे जयपुर में जब बारिश हुई थी तो वहाँ के रोड्स बहुत ज़्यादा वहाँ पानी भर गया था, तो फिर हमने अंबेर फोर्ट कवर किया था और फिर हम वापस रिजॉर्ट में आ गए हैं।